राजस्थान की सियासत से जुड़ी बहुत बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया, रीछपाल, मिर्धा होंगे बीजेपी में शामिल। कल बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं कटारिया और मिर्धा। शाहपुरा के पूर्व विधायक आलोक बेनीवाल भी होंगे शामिल। सुप्रीम कोर्ट आयोग के पूर्व अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा का भी एससी आयोग के पूर्व अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा का भी नाम है। कल प्रदेश कार्यालय पर ज्वाइनिंग संभव है। पूर्व मंत्री राजेंद्र यादव का नाम भी चर्चा में है, हालांकि पिछले दिनों राजेंद्र यादव कर चुके हैं इनकार। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जिसमें आपको बता दें कि पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया, रीछपाल, मिर्धा बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी शशि मोहन शर्मा जुड़ चुके हैं लाइव, उनका रुख करते हैं। शशि, सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर यही आ रही है कि पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया, रीछपाल, मिर्धा बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। देखिए, पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया का नाम है शामिल होने वालों में। इसके साथ में राजेंद्र यादव का भी नाम बताया जा रहा है। हालांकि अभी राजेंद्र यादव से हमारी बातचीत नहीं हो सकी, कुछ दिन पहले वो इस बात पर सिर्फ कयासबाजी की बात कह रहे थे। उदयलाल आंजना अभी इनकार कर रहे हैं, नाम उनका भी है साथ में। लालचंद कटारिया के समधी हैं रीछपाल मिर्धा और उनके दामाद हैं विजयपाल मिर्धा, उनका भी नाम शामिल है। कांग्रेस सेवादल के प्रदेश मुख्य संगठक रहे हैं, सेवादल कांग्रेस का बहुत महत्वपूर्ण संगठन माना जाता है, उसके प्रदेश मुख्य संगठक रहे सुरेश चौधरी का नाम शामिल है। उनके बहनोई और पूर्व विधायक शाहपुरा से आलोक बेनीवाल, जो डॉक्टर कमला गुजरात की पूर्व राज्यपाल रही हैं, उनके पुत्र हैं, उनका नाम शामिल बताया जा रहा है। कल ये ज्वाइनिंग हो सकती है, हालांकि बीजेपी अभी इस बात से इनकार कर रही है। लेकिन जो बीजेपी में ज्वाइनिंग कमेटी के मुखिया हैं अरुण चतुर्वेदी, उनके पास संभवतः इस बात की जानकारी हो सकता है ना हो, क्योंकि उन्होंने कहा कि अभी तक अंतिम रूप से सहमति नहीं मिली है। लेकिन हो सकता है पार्टी में शीर्ष नेतृत्व ने ये तय कर दिया हो कि कल ज्वाइनिंग करानी है। जैसा हम लगातार दर्शकों को बता रहे थे कि चूरू में राहुल कस्वा का टिकट काटने के बाद पार्टी के खिलाफ सोशल मीडिया पर जाट समाज के कुछ लोगों ने जो सेंटीमेंट बनाने की कोशिश की है, उसकी काट के रूप में इस ज्वाइनिंग को देखा जा सकता है। क्योंकि आप देखिए कि राजेंद्र यादव और उदयलाल आंजना को छोड़ दें तो जो सभी नेता हैं शामिल होने वाले, जिनमें रीछपाल मिर्धा, विजयपाल मिर्धा, लालचंद कटारिया, सुरेश चौधरी, आलोक बेनीवाल का नाम शामिल है, वो सभी जाट समाज से आते हैं, समाज में अपना बड़ा स्थान रखते हैं।